मैंने आज तक अपनी टीम को हमेशा 120% दिया है और हमेशा देना चाहूंगा। इस वजह से अब समय आ गया है कि मैं टेस्ट कैप्टेंसी को अलविदा कह दूं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, विराट कोहली। विराट कोहली ने एक ट्वीट के जरिए अपनी कैप्टेंसी छोड़ने का फैसला दुनिया के साथ शेयर किया और ये कहना कतई भी गलत नहीं होगा कि कोहली के इस फैसले से सब हैरान थे। इंडिया डिड लूज द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पर पहली बार तो ये हुआ नहीं है और आखिरी बार भी नहीं। कोहली ने तो बैटिंग भी ठीक ठाक की थी। इंडियन टेस्ट टीम में कुछ बदलाव होने ही वाले हैं। पुजारा रहाणे के फ्यूचर का कुछ पता नहीं। शायद ईशांत और साहा भी अपने टेस्ट करियर के अंतिम पड़ाव पर हों। ऐसे में यू नीड एन एक्सपीरियंस कैप्टन ताकि हलचल ज्यादा ना हो। घर का मुखिया अगर नहीं बदलता तो बदलाव की हवा कभी हवा नहीं बनती, पर ऐसा हुआ नहीं। कोहली के इस फैसले ने कुछ सवाल भी खड़े किए, कुछ जवाब भी दिए कि आखिरकार उनका बतौर कप्तान योगदान क्या था, अब समझ में आया। बट बिफोर दैट लेट्स रिवाइंड टू सितंबर 2021। कोहली ने डिसाइड किया कि वो इंडियन T20 टीम की कैप्टेंसी T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे, लेकिन इंडियन ODI और टेस्ट टीम में कप्तानी करते रहेंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं कि टेस्ट टीम का कप्तान ODI में तो कप्तान रहे पर T20 में कोई दूसरा कप्तान हो। खैर, भारत का T20 वर्ल्ड कप का प्रदर्शन डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन भारत की अगली ODI सीरीज तो जनवरी में थी। इस वजह से ODI कैप्टेंसी का जिक्र भी नहीं हुआ। जब हुआ तो बवाल हुआ। रोहित को ODI कैप्टन घोषित किया गया। इससे पहले ही BCCI और कोहली के बीच टेबल टेनिस का खेल खुलेआम खेला जा रहा था। किसी ने बोला कि हमने कोहली को T20 कैप्टेंसी त्यागने के डिसीजन को रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट की, तो किसी ने कहा कि कोहली ने ODI सीरीज में रेस्ट की मांग की है। कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों स्टेटमेंट्स का खंडन किया। Nobody asked me to reconsider और मैंने कभी भी आराम नहीं मांगा। I was available and I am available। और हाँ, मुझे ODI कैप्टेंसी के बारे में पासिंग में बताया गया और मैंने कहा ओके, दैट वॉज दैट। और फिर टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद टेस्ट कैप्टेंसी से रेजिग्नेशन। छह महीने पहले कोहली वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू लीडिंग इंडिया इन ODI एंड टेस्ट, एंड नाउ ही इज नॉट द कैप्टन ऑफ एनी फॉर्मेट। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वी माइट नेवर नो द फुल स्टोरी। लेकिन सच ये है, किंग ऑफ ऑल द 3 किंगडम्स हैड नो किंगडम टू रूल, बट देन अ किंग विल ऑलवेज बी अ किंग, विद और विदाउट द किंगडम। कोहली की कप्तानी की कहानी शुरू हुई थी जब MSD ने ऑस्ट्रेलिया में इन द मिडल ऑफ द टेस्ट सीरीज अपनी टेस्ट से रिटायरमेंट घोषित कर दी। सिर्फ कप्तानी से नहीं, टेस्ट क्रिकेट से ही। कोहली का पहला टेस्ट यादगार था। कुछ रोचक फैसले लिए, करण शर्मा का डेब्यू, ऑल आउट पेस बोलिंग का सिलेक्शन, सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स, पर जीत की तलाश में मिली हार। Nobody knew कि this was going to be Kohli's test captaincy template। जीतने की जिद थी, फिर चाहे हार का सामना ही क्यों ना करना पड़े। ड्रॉ तो मंजूर था ही नहीं। 5 बोलर्स के साथ खेलने का बोल्ड डिसीजन, इवन इन ओवरसीज कंडीशंस। चाहे फिर अपनी बैटिंग पर ही एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों ना हो, फिटनेस को पैरामाउंट किया। अगर फिट नहीं तो हिट होने का कोई चांस नहीं। सिर्फ वर्ल्ड की बेस्ट ही नहीं, फिटेस्ट टीम बनने की ठानी थी कोहली ने। घर पर तो शेर थे ही, बाहर जाकर भी दहाड़ना शुरू किया। इंडियाज गोल्डन पीरियड इन टेस्ट क्रिकेट केम अंडर कोहली। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीते। भारत नंबर 7 के पायदान पर था जब कैप्टेंसी की जिम्मेदारी संभाली थी और लगातार 5 साल नंबर 1 पर राज किया। लेड बाय एग्जाम्पल एंड लेड फ्रॉम द फ्रंट। कोहली के टेस्ट क्रिकेट के लिए कमिटमेंट ने इस फॉर्मेट को दोबारा जीवित किया। कोहली हैज एंडेड हिज टेस्ट कैप्टेंसी स्टिंट एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन। 40 टेस्ट मैच में जीत के साथ उनका नाम टॉप 4 मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स की ऑल टाइम सूची में भी शुमार है। कप्तानी को आंकने के कई पैमाने होते हैं, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण होता है कहां शुरू किया, कहां खत्म किया। नंबर 7 से नंबर 1 की कहानी हमेशा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी। गो वेल स्किपर। इंडियन क्रिकेट सेज थैंक यू विराट।